नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे पाव। उसके लिए चाहिए हमें 500 ग्राम मैदा, 350 ग्राम दूध जो थोड़ा कुनकुना होना चाहिए, 10 ग्राम ईस्ट, मैंने इसे दूध डाल के इसमें थोड़ा सा मेल्ट कर दिया हूँ, 10 ग्राम नमक, 10 ग्राम पीसी हुई शक्कर और 25 ml तेल। अब हम इसमें पहले ईस्ट डालेंगे, इसमें डालेंगे नमक, फिर पीसी हुई शक्कर, अब हम इसे अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए। अब इसमें हमारा नमक और शक्कर अच्छी तरह से घुल गया है और ईस्ट भी एक्टिवेट हो चुका है। अब हम डाव की तैयारी करेंगे। इसमें ये मैदा है जिसमें अपन ये दूध थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। अब हम इसमें तो तेल डाल देंगे। अब इसकी अच्छी तरह मालिश करेंगे। अब ये देखिए, हमारा ये डाव अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा डाव टोटल 900 ग्राम का है। अब हम इसके 16 गोले बनाएंगे, जिसमें से एक गोला 55 ग्राम का होगा, या चाहे तो आप इसे अंदाजे भी बना सकते हैं। इसके हमने 16 टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसके गोले बनाएंगे। इसके लिए हमें पहले चाहिए एल्युमिनियम की एक ट्रे लिए, जिसमें हमने तेल लगा दिया है चारों तरफ से। अब हम इसके गोले बना के इसमें अरेंज कर देंगे। गोला बनाते समय ध्यान दीजिए कि ऐसी लाइनिंग नहीं रहना चाहिए, गोला अच्छे से एकदम प्लेन आना चाहिए ताकि ये बेक करते समय फटे ना। इसी तरह से हम सारे गोले एक ट्रे में अरेंज कर देंगे। इसी तरह एक ट्रे में सारे गोले अरेंज करना है और ध्यान रखे कि इसमें एक एक उंगल की गैप रहना चाहिए। एक से डेढ़ घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे और इसके ऊपर हम गीला कपड़ा कवर कर देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, और कपड़ा यदि अगर सूख जाता है तो इसे बीच बीच में पानी मार दें। हमारा डो डेढ़ घंटे में इस तरह से फूला है और ऐसे ही फूलना चाहिए। अब हम इसे माइक्रोवेव में 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए बेक करने के लिए डाल दें। हमने इसे 25 मिनट के लिए बेक किया था। अब ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम बटर लगा देंगे। अभी हमारे पाव पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह पाव बनाना है।